वहीं राम रहीम को मिली पैरोल पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा है कि जब जब जहां जहां चुनाव होगा राम रहीम को पैरोल मिलती रहेगी। बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि भाजपा बताए कि क्या आम कैदी को इतनी पैरोल मिलती है। जो राम रहीम जी को पैरोल हर बार आपने देखा होगा, कोई परेशानी की वजह से मुझे नहीं लगता है आधी बार मिली वाली बात है, पर बीजेपी के जो कोई ना कोई इलेक्शन का जब रूप होता है तो उसमें राम रहीम को पैरोल जरूर मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राम रहीम जी ही एक हैं अंदर जेल में या और भी कोई है? क्या किसी और संत महात्मा को या किसी और को, क्या किसी इस प्रकार के लोगों को कितनी पैरोल बीजेपी के? पर मैं जो माननीय हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए मैं उनका कोई टिप्पणी नहीं करता, पर बीजेपी की नीति और नीति साफ होती है कि किस प्रकार से ये चाहे राम रहीम जी हों चाहे कोई और हो अपने स्वार्थ के लिए कैसे यूज करते हैं, या देश जानता है या प्रदेश भी जानता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राम रहीम को कब कब पैरोल मिली है। राम रहीम को 24 अक्टूबर 2020 को पहली बार पैरोल मिली। पहली बार राम रहीम को बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल। 21 मई 2021 को गुरमीत राम रहीम को दूसरी बार पैरोल मिली। दूसरी बार बाहर आया राम रहीम और दूसरी बार कारण क्या था? बीमार मां से मिलने के लिए। 7 फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिली थी। उसके बाद जून 2022 में राम रहीम फिर से जेल से बाहर आया था। जून 2022 में राम रहीम एक महीने के लिए जेल से बाहर आया था। जून के बाद अक्टूबर में राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आया था और उसके बाद इस साल की शुरुआत में 21 जनवरी 2023 को राम रहीम को छठी बार पैरोल मिली थी। 21 जनवरी 2023 को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी और अब एक बार फिर से 30 दिन की पैरोल मिली है राम रहीम। यानी कि जो नियम है कि हर 6 महीने में आप अप्लाई कर सकते हैं पैरोल का, पैरोल के लिए उस नियम का पूरा फायदा राम रहीम को मिलता है। एक साल में 2 बार राम रहीम बाहर आता है, कभी 30 दिनों के लिए तो कभी 40 दिनों के लिए, जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि राम रहीम को बाकी अन्य कैदियों की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता। इसी पर बातचीत करने के लिए राजटाकिया रोहतक से मेरे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप चौहान, हमारे साथ बागपत से जुड़ गए हैं। पहले मैं कुलदीप आपका रुख कर लेती हूं, वहां पर क्या हलचल है क्योंकि राम रहीम एक बार फिर पहुंचेगा बागपत के वर्णावाश्रम में। बिल्कुल मनु, देखें बता दूं कि संत गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है और इस बार संत गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 30 दिन की पैरोल मिली है और राम रहीम बागपत के बरनावा आश्रम में पहुंच चुका है और यहां पर अभी वो अपने पूरे परिवार के साथ, और बताया जा रहा है कि उसकी बहुबोली बेटी जो हनीप्रीत है वो भी उसके साथ है। और यहाँ पर जो जैसे ही चर्चाएं चली थी तो जो उनके अनुयायी है वो यहाँ पर पहुंचना भी शुरू हो गए थे और तमाम जो सिरसा से जो व्यवस्थाएं थी वहां से गाय घोड़े वगैरह वो यहाँ पर भेज दिए गए थे ताकि यहाँ पर, क्योंकि राम रहीम को घोड़सवारी करने का भी शौक है और म्यूजिक का भी काफी शौक है। पिछले दिनों कई वीडियोस भी वायरल हुई थी जिनमें संत गुरमीत राम रहीम एक जो म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च करने का वीडियो था और घुड़सवारी करने के वीडियो थे, तमाम इस तरह के कई वीडियो थी। लेकिन जिसके बाद अभी यहाँ पर संत गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है तो राम रहीम बागपत के डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम में है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ पर फोर्स तैनात किया गया है, बिनोली थाना यहाँ पर पड़ता है, वहां का फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है। मनु, ठीक है कुलदीप, यानी आप कह रहे हैं कि राम रहीम के लिए सारी सुख सुविधा का इंतजाम बागपत के बरनावा आश्रम में कर दिया गया है। राज टाकिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऐसी सुविधा किसी और कैदी को मिलती है जैसी राम रहीम को मिल रही है कि हर 6 महीने में 40 दिन कभी 30 दिन की पैरोल पर बाहर आ जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मनु बात कर ली जाए राम रहीम की, राम रहीम को कल जो है 30 दिनों के लिए पैरोल पर भेजा गया है और उससे पहले अगर राम रहीम की बात कर ली जाए तो लगभग 7 बार इसको पैरोल मिल चुकी है और सरकार जो है वो बार बार हवाला यही दे रही है कि नियमों को के तहत ही इसको पैरोल दी जा रही है। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि चुनाव के दिनों में ही राम रहीम को पैरोल दी जाती है और नियमों को ताक पर रखकर ही दी जाती है, जबकि अन्य जो कैदी हैं जेल में, हरियाणा की अन्य जो जेलों में बंद कैदी हैं या रोहतक की जेल में अन्य जो कैदी हैं
उनको ये सुविधा नहीं दी जाती है, तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी ये सरकार आखिर क्यों है? और जिस तरीके से हरियाणा का भी चुनाव 2024 में होना है और बाकी जो राज्य हैं उनमें भी राम रहीम जो है उनके जो समर्थक है वो भी काफी सक्रिय हैं, तो ऐसे में विपक्ष बार बार आरोप जरूर लगा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि चुनावी फायदा लेने के लिए बीजेपी सरकार इस तरीके से इसको बार बार पैरोल दे रही है। जी, लेकिन राज एक सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर इलेक्शन को में फायदा लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है तो अभी इलेक्शन तो दूर है, हो सकता है कि उससे पहले तो राम रहीम अभी दो बार और बाहर आ जाए अंदर जाकर। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी चुनाव जो है वो काफी दूर है, लेकिन अभी जिस तरीके से इनके समर्थकों की अगर बात कर ली जाए तो समर्थकों में यही है कि जिस तरीके से भी राम रहीम को ज्यादा से ज्यादा बाहर जेल से रखा जाए ताकि जो है उनके समर्थक जो है उनसे और ज्यादा जुड़े रहे। विपक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी सरकार जो है इसको जानबूझकर इस तरीके से पैरोल दे रही है। जी ठीक है राज, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पैरोल आखिर मिलती क्यों है, क्योंकि पैरोल मिलने के लिए आपके पास कोई ठोस कारण और बेहद जरूरी काम होना चाहिए। तो ये कुलदीप मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, ऐसा क्या जरूरी काम है बागपत के बरनावा आश्रम में, क्योंकि अब राम रहीम रहेगा अगले 30 दिनों तक, कि उसको पैरोल पर बाहर आना पड़ा है सिवाय बर्थ डे के? बिल्कुल मनु, देखें बता दूं, क्योंकि 15 अगस्त को संत गुरमीत राम रहीम का जन्मदिन है और इसे जो यहां पर काफी उत्साह के साथ मनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जेल में जब से राम रहीम था तो पहली बार उसे पैरोल मिली है कि जब राम रहीम जेल से बाहर अपना जन्मदिन मनाएंगे, और यहां पर जो उनके समर्थक हैं वो भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि अगले माह जो ये उनका जो पर्व होने वाला है, जन्मदिन मनाया जाने वाला है, तो उसको लेकर के भी जो उनके अनुयायी है उनके अंदर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और तमाम तैयारियां भी जो पहले से ही यहाँ पर शुरू कर दी गई थी, क्योंकि जब पैरोल की मांग की गई थी तो बागपत पुलिस से, बागपत एसपी से पूरा ब्यौरा तलब किया गया था कि यहाँ पर जो पैरोल के दौरान संत गुरमीत राम रहीम, जो कि संत गुरमीत राम रहीम बागपत के बरनावा में 4 बार पैरोल पर यहाँ पर रह चुके हैं, और यहाँ पर जो बागपत पुलिस है उसे पूरा ब्यौरा तलब किया था कि पैरोल के दौरान राम रहीम का कैसा यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं थी और क्या पूरी व्यवस्थाएं रही थी, कोई किस तरह की चूक तो नहीं रही थी, या यहाँ पर जो भीड़ जो पहुंच रही थी उसकी वजह से कोई समस्याएं तो नहीं बनी थी। तमाम तरह के जो सवाल थे वो यहाँ से मांगे गए थे और यहाँ से बागपत पुलिस ने भी अपना रिपोर्ट वहां पर भेजा था, जिसके बाद इस बार भी राम रहीम को जो पैरोल मिली है तो सिरसा न जाकर के, सिरसा आश्रम में न जाकर के बागपत के बरनावा आश्रम में ही यहाँ पर संत गुरमीत राम रहीम को भेजा गया है। और सबसे बड़ा, क्योंकि जो जन्मदिन सामने है, क्योंकि इससे पहले कोई और पर्व नहीं है, जो पहले जो राम रहीम आए थे इसी वर्ष जो राम रहीम आए थे तो यहाँ पर उनके जो गुरु है उनका जन्मदिन था वो मनाया गया था, काफी उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया गया था, और अब संत गुरमीत राम रहीम का जन्मदिन 15 अगस्त को है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं हैं कि जन्मदिन मनाने के लिए राम रहीम बाहर आए हैं। जी ठीक है कुलदीप, आपका भी शुक्रिया, राज आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस डिस्कशन के लिए भी। फिलहाल